कंफ्यूजन में थे कि भैया हमें सी ए टी देना है या सी ई टी देना है, मतलब कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इस पे पूरा डिटेल वीडियो बना दीजिए इन डेप्थ किस प्रकार से हमारा एडमिशन होगा थ्रू द आपका सी टी एग्जामिनेशन प्लस में आपका मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए फॉर द डिप्लोमा एंड प्लस में डिग्री प्रोग्राम दोनों के लिए, आपका सेपरेट पूरी चीजें मैंने बता रखी है इन डेप्थ। अभी इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप सभी के लिए सी टी एग्जामिनेशन फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए किस प्रकार से आपका सी टी एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, एंड कहां पे आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा अगर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो, प्लस में आपका अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है तो आपको कहां पे जाके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा इस सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताया। प्लस में आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए जिस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका सीईटी एग्जामिनेशन होगा या सीएटी एग्जामिनेशन होगा वो भी मैंने बताया इन डेप्थ, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाना फॉर द डिप्लोमा प्लस में डिग्री स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए ये वीडियो है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट, इसी के आपका टाइम वेस्ट नाउ, ठीक है। ओके सो यार हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं एक चीज की आप सभी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो अपडेटेड ये वाला जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसके माध्यम से मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूं वो अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। 16 तारीख को ये अपडेट हुआ था मतलब कि कल, एंड 1.1 ये वर्जन है, ठीक है। तो ये अपडेटेड वर्जन है, लेकिन इस वाली वीडियो पे इस वाली जो इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसमें मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाई कि अपडेट हुआ ये, ठीक है, क्योंकि यार ये इसमें कुछ मेजर चेंजेस ऐसे थे नहीं, ठीक है। माइनर चेंजेस थे जो कि एक दुका ऑलमोस्ट सभी को पता है, ठीक है, एंड यहाँ पे अभी तक डेट्स अभी तक आई नहीं है। तो मेजर चेंजेस आने के बाद ही मैं बताऊंगा कि इसमें कोई मेजर चेंजेस है, ठीक है। माइनर चेंजेस है हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है माइनर चेंजेस, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो एग्जामिनेशन होगा सीटी एग्जामिनेशन वो किस प्रकार से होगा, एंड फॉर डिग्री प्रोग्राम्स एंड फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग बात करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो यार आपका यहाँ पे यार ऑल द कैंडिडेट आर द सीकिंग एडमिशन इन द डिप्लोमा प्रोग्राम्स, फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम्स, लेटर एंट्री एंड एडीएम कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे आपका तीन कोर्स है, आपका फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, ठीक है, आपका यार आपका लेटर एंट्री, फिर आपका यहाँ पे एडीएम कोर्स मतलब कि एडवांस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मैक्ट्रॉनिक्स इस प्रकार का कुछ है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी आपका ये वाला तीनों कोर्स प्लस में आपका अंडर ग्रेजुएट का ये वाला कोर्स बीए डिजिटल मीडिया, ठीक है, बीए डिजिटल मीडिया सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट को है, एक ही कोर्स में आपका ये वाला जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ इसी में एग्जामिनेशन टेस्ट होगा और किसी में एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं होगा। अंडर ग्रेजुएट का वैसे देखा जाए तो यार अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के सारे आपके मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, ठीक है, कोई भी कोर्स हो अंटिल इसको छोड़कर, सिर्फ बीए और डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन को छोड़कर, इस वाले कोर्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे जितने भी आपके यूजी के प्रोग्राम्स है डीएसयू के अंदर उस सभी में मेरिट बेस्ड एडमिशन टेस्ट होगा, मतलब कि आपका 12th के नंबर लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार से होगा भैया, यार आपका एंट्रेंस टेस्ट यार इसी ऑनलाइन प्रोक्टेड एग्जाम होगा, जैसे कि आपका ऑनलाइन होता है, एक एआई सिस्टम के बेस पे आपका एग्जामिनेशन होगा, डीएसयू ऑनलाइन की वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां से आपका टेस्ट होगा। चिंता मत करो, टेस्ट लेने से पहले आपका ये मॉक टेस्ट पेपर देते हैं प्रैक्टिस के लिए कि किस प्रकार से आपका टेस्ट होगा, तो उसमें पूरी तरीके से तैयारी हम कर लेंगे कि एग्जामिनेशन हम किस प्रकार से अटेंड करेंगे, ठीक है। तो हमने इतना जान लिया कि एंट्रेंस टेस्ट आप सभी के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए, लेटर एंट्री के लिए एंड एडीएम कोर्सेज के लिए, ठीक है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स में यार फार्मेसी भी इंक्लूड है क्योंकि उसमें भी वो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ठीक है, तो फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज में फार्मेसी भी इंक्लूड है प्लस लेटर एंट्री प्लस एडीएम कोर्स एडवांस डिप्लोमा इन मैक्ट्रॉनिक्स वाला जो कोर्स है प्लस में आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बीए डिजिटल मीडिया, सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट में सिर्फ यही कोर्स में आपका एंट्रेंस टेस्ट है सिर्फ, ठीक है, और किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, सबका मेरिट बेस पे होगा, जैसे कि बीसीए हो गया आपका, बीए हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी कोर्सेज है वो सारे के सारे आपके मेरिट बेस पे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर विल बी रिक्वायर्ड टू स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस, ही सी कैन अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन, द एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन वंस ओनली वंस अनाउंस्ड बाय द डीएसयू ऑफिशियली एडमिशन पोर्टल। जैसे कि मैंने बताया कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन देने के लिए, ठीक है, आपके 4 से 5 GB ये मांगता है, बट 3 GB भी अगर आपका मंथ पर डे का मिलता है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन भी नहीं है। 1.5 GB भी अगर आपको मिलता है पर डे का तो भी हो जाएगा उसे एग्जामिनेशन, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी हमें। आपके बाद लिखा हुआ आफ्टर द एग्जामिनेशन मेरिट बेस will be announced, ठीक है, once the rank merit criteria the candidate will be required to submit their choice filling। जैसे कि मैंने बताया कि आपका यहाँ पे examinations complete होने के बाद आपका ये rank निकलेगी, ठीक है, rank मतलब कि merit list आपकी होती है, merit list निकलने के बाद आप सभी का फिर counseling होगी, counseling के basis पे आप सभी को यार यहाँ पे college मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ यहाँ पे examinations होने वाला है। यहाँ पे मैं clearly फिर से बता देता हूँ, एक few दे देता हूँ कि merit based जैसे full time diploma courses के लिए कौन कौन सा रहेगा, आपका 60% आपका CET यहाँ से उठाया जाएगा, फिर
ग्रेजुएट क्लास 10 का 30% यहाँ पे। यहाँ पे अगर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का यार यहाँ पे नीचे चलते हैं हम सभी, ठीक है। फार्मेसी का है, फार्मेसी का भी डिप्लोमा के सारे वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। फिर एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमेटिव मैक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत ही कम बच्चे हैं यहाँ पे। यूजी प्रोग्राम्स के लिए डिजिटल मीडिया वालों के लिए देखो स्पेशल यहाँ पे देखा है, ठीक है। डिजिटल मीडिया वालों के लिए स्पेशल देखा है, क्लास 12th का आपका यहाँ पे ये है 80% आपका क्लास 12th का लिया जाएगा। CU CTE की आप एग्जामिनेशन है, मतलब कि इसका अगर आपने एग्जामिनेशन दे रखा है तो उसके 10% आपके नंबर लिए जाएंगे, प्लस में आपका ECA लिया जाएगा 10%, ठीक है। बाकी BA डिजिटल मीडिया जिसका आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा ये वाला कोर्स के लिए आपका इसका 60% आपका जो टेस्ट होगा उससे लिया जाएगा, प्लस में 30% आपका 12th के नंबर लिए जाएंगे, प्लस में आपका LOR या वोकेशनल स्ट्रीम आपने कर रखा होगा तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली यार नोट दे रखा है कि क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द क्रिएटिव प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जानना कि यहाँ पे इस साल जो DSU ने कराया है वो दो क्राइटेरिया दिया है। आपकी बार जो एग्जामिनेशन होगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंड प्लस में कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसके कि आपका मेनली जो डिजाइन कोर्सेज के लिए, इंटीरियर डिजाइन के लिए वाला जितना भी कोर्स है, इन सभी के लिए दो स्टेज में आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट अप्लाइड आर्ट्स, ठीक है, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन एंड अंडर ग्रेजुएट का आपका BA डिजिटल मीडिया, ये जो होगा ये दो स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा। स्टेज वन विल बी ऑनलाइन एंड ओनली दोज वो क्वालिफाई द स्टेज वन वो बी एलिजिबल फॉर द राउंड टू, ठीक है। ये आपका ऑफलाइन होगा, मतलब कि जितने भी कैंपस है DSU के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली एक सभी आप सभी को एक ब्लैंक स्क्रीन पे स्टार्टिंग से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से सारी चीजें होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे हम आपका पेन ले लेते हैं एंड यहाँ पे हम आपको व्हाइट कर लेते हैं जिससे कि आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा जो एग्जामिनेशन होगा वो टू स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से एग्जामिनेशन होंगे दो स्टेजेस में, कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए, आपका डिप्लोमा में आपका आ जाता है यार अप्लाइड आर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाता है आर्किटेक्चर, फिर आ जाता है इंटीरियर डिजाइन, फिर आ जाता है यार आपका फैशन डिजाइन, ठीक है। मतलब कि ये जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जितने भी कोर्सेज होते हैं ना वो, एंड अंडर ग्रेजुएट में आपका आ जाता है BA डिजिटल मीडिया एंड डिजाइन वाला जो कोर्स है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का ये वाला UG कोर्सेज के लिए। इन सभी के लिए आपका यार दो स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। कौन कौन से एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट स्टेज में आपका ऑनलाइन मोड होगा यार, और सेकंड स्टेज में जब जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर देगा, जो बच्चा इसको क्वालिफाई कर देगा यार उसके लिए फिर आपका फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑफलाइन एग्जामिनेशन कहाँ होगा भैया, ये होगा यार आपका DSU के जितने भी यार कैंपसेज है, आपके 15 से 15 कैंपसेज है DSU के अंदर, उन सभी कोई ना किसी में किसी ना किसी में आपका यार वहाँ पे अलॉट हो जाएगा, वहाँ पे आपको जाके एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है इस साल पूरा एग्जामिनेशन का कि किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सेकंड चीज की, जो हमने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, मतलब कि देखा था कि आपका जो एग्जामिनेशन है मेरिट बेस्ड वो किस बेसिस पे होगा, मेरिट बेस्ड कौन कौन से एग्जामिनेशन मतलब कौन कौन से ब्रांचेस के लिए होगा, ये सिर्फ और सिर्फ UG प्रोग्राम्स के लिए होगा। बस BA डिजिटल मीडिया वाला जो आपका डिजिटल मीडिया वाला जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, डिजाइन एंड डिजिटल मीडिया वाला, उसको छोड़कर आपका जितने भी कोर्सेज है इन सभी में आपका मेरिट बेस्ड होगा एडमिशन। ये वाला जो कोर्स होगा इसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट बेस पे होगा, ठीक है, मतलब कि दो स्टेज वाला जो है, ठीक है। बाकी ये सारी जितनी भी होगा मेरिट बेस्ड होगा क्लास 12th के आपके परसेंटेज के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो CET एग्जामिनेशन होगा, CET एग्जामिनेशन आपका फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए होगा, पूरा का पूरा लेटर एंट्री वालों के लिए होगा, ठीक है। आपका ADM कोर्सेज के लिए जो होगा एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमेटिव एंड ये वाला जो कोर्सेज है इसके लिए भी होगा, ठीक है। यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स के लिए फार्मेसी भी आ जाता है इसी के अंदर इंक्लूड, ठीक है। तो ये था कुछ कोर्सेज एंड प्लस में ये जो दो स्टेज वाले कोर्सेज है ना यार, दो स्टेज के लिए जो जितने भी पेपर एग्जामिनेशन हो रहे हैं इनको CET नाम बोल के, मतलब CET ना बोल के, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ना बोल के यार CET बोलेंगे, ठीक है, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि आपका दो स्टेज में ये वाला एग्जामिनेशन होगा। CET CAT एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा इन सारे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए DSU में इस साल, पिछले साल ये नहीं था, इसी साल ये रूल डाला है, ठीक है। आपका इसमें CET नहीं होगा, टू स्टेज वाले एग्जामिनेशन CET नहीं होगा, CET आपका फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए होगा, लिटरेंट्री के लिए होगा, ADM कोर्सेज के लिए होगा, ठीक है। तो इन सभी के लिए CET होगा एंड CET इसमें इसके लिए होगा, प्लस में आपका UG कोर्सेज के लिए कितना होगा, मेरिट बेस पे होगा इस वाले कोर्स को बस छोड़कर, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि एंट्रेंस टेस्ट प्लस में आपका मेरिट बेस किस प्रकार से एडमिशन होगा, बोथ फॉर द डिप्लोमा के लिए भी एंड प्लस में आपका डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, फुल डिटेल इन डेप्थ अगर कोई और भी जानकारी चाहिए इस चीज से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड आपके लिए शाम को वीडियो आ रहे यार BCA के लिए पूरा का पूरा एग्जामिनेशन शेड्यूल कि किस प्रकार से आपका DSU में एडमिशन होगा। BCA के लिए काफी सारे स्टूडेंट है तो यहाँ पे ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, इसलिए मैं आज शाम तक ही कोशिश करूंगा कि डाल दूं। तब तक के लिए चलते हैं बाबा, टेक केयर, सी यू, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ।